अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीकम्पोजिशन, यानी तोड़ना। डीकम्पोजिशन इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। डीकम्पोजिशन जो है वो ये क्या होती है कि हम जो है एक सिंगल कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे है CuCO3 कॉपर कार्बोनेट हमारे पास है। इसको जब हम हीट देंगे और इसको तोड़ेंगे तो ये जो है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, बहुत सिंपलर प्रोडक्ट्स में ये चेंज हो जाएगा। एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स। एनर्जी जो है इस किसी भी उसको मॉलिक्यूल कंपाउंड को तोड़ने में जो है एनर्जी ज़रूरत होती है इस किसी भी कंपाउंड को तोड़ने में। थर्मल डिकम्पोजिशन इज़ द यूज़ ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन आ कंपाउंड। थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ये डिकम्पोजिशन की एक एग्जांपल है। थर्मल डिकम्पोजिशन ये इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड को हम तोड़ते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो हीट जो है हम इस्तेमाल करते हैं। व्हेन कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला जो है वो है CuCO3। कॉपर कार्बोनेट इज़ हीटेड। जब हम इस कॉपर कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे, इट चेंज फ्रॉम आ ग्रीन पाउडर। तो ये जो ग्रीन पाउडर का कॉपर कार्बोनेट होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, टू आ ब्लैक पाउडर में चेंज हो जाएगा। द ग्रीन कॉपर कार्बोनेट ब्रेक डाउन इन टू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो ग्रीन कॉपर कार्बोनेट को जब हम इसकी तोड़ेंगे, इसकी हीट दे के जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड CuO और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे पास निकलेगी। इसी थर्मल डिकम्पोजिशन की यहाँ पे जो है उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, वर्ड इक्वेशन है हमारे पास। कॉपर कार्बोनेट इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर कार्बोनेट को जब हम तोड़ेंगे तो ये किस किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर कार्बोनेट का मैंने ऊपर भी आप लोगों को फार्मूला बताया है CuCO3। जब हम इसको हीट देंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी उनका दिया गया है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कॉपर Cu उसका एक जो है एटम है, उसके बाद कार्बोनेट में क्या क्या होते हैं, कार्बोनेट में आप ऊपर भी देख सकते हैं CO3 में कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन। तो इसमें ऑक्सीजन के देखिए हमारे पास कितने एटम है, ये ऑक्सीजन के हमारे पास इसमें 3 एटम है, और कार्बन का हमारे पास कितना है, ये ऑक्सीजन के हमारे पास जो है वो 3 है और कार्बन का हमारे पास क्या है, 1 ही एटम है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड CuO 1 है और ऑक्सीजन जो है वो उसका जो है एटम है वो 1 है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये सी और ओ टू। Another example of thermal decomposition is in the manufacture of lime. Thermal decomposition की एक और भी example है, यहाँ पे copper carbonate वाली example है, यहाँ पे एक और example उन्होंने दी हुई है manufacture of lime, lime का बनना। lime का जो chemical name है वो calcium oxide जो है वो lime का chemical name है, और calcium oxide का formula क्या है, CaO। इसमें क्या होगा कि लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, लाइमस्टोन चूने का पत्थर भी हम जिसे बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, CaCO3। इज़ हीटेड, जब हम इसको गर्म करते हैं टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, तो ये जो चूने का पत्थर जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम में चेंज हो जाएगा, और एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलेगी। उसके बाद आ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकली है इसको टेस्ट करना है कि आया ये निकली है या नहीं निकली। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर, के कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, लाइम वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, लाइम वाटर का जो केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस। ये जो ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको हम टेकन ट्वाइस बोलते हैं, जहाँ पे ब्रैकेट के नीचे जो है वो 2 है तो हम इसे टेकन ट्वाइस बोलेंगे, अगर 3 है तो हम टेकन थ्राइस बोलेंगे। CaOH टेकन ट्वाइस, पहले हमने फार्मूला पढ़ना है उसके बाद हम इसको बोलेंगे टेकन ट्वाइस, अगर 3 होगा तो हम यहाँ पे थ्राइस बोलेंगे। इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बबल्ड थ्रू लाइम वाटर, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी
तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बबल बनना शुरू हो जाएंगे, तो द लाइम वाटर टर्न्स फ्रॉम अ कलरलेस टू अ क्लाउडी वाइट सोल्यूशन। तो वो जो लाइम वाटर है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है, ये किस में चेंज हो जाएगा? फ्रॉम अ कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होगा, टू अ क्लाउडी वाइट सोल्यूशन, एक सफेद सोल्यूशन में ये चेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से भारी है। दिस मीन्स, तो इसका ये मतलब है कि इट कैन बी प्योर फ्रॉम वन टेस्ट ट्यूब टू अनदर। तो इसका ये मतलब है कि हम इसको एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम उसको डाल सकते हैं। प्योरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन टू अ टेस्ट ट्यूब ऑफ लाइम वाटर विल कॉज द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम टेस्ट ट्यूब में जो है वो कह रहे हैं कि प्योर करेंगे, तो ऑफ लाइम वाटर विल कॉज द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो जो लाइम वाटर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? टर्न मिल्की, दोधिया कलर में, जो है दोधिया में, जो है दोधिया टाइप मिल्की जो है वो उसमें चेंज हो जाएगा। थैंक यू।